फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं संदीप वर्मा बुशर बॉय में आपका स्वागत है। तो कल है 20 तारीख और आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा राज्य खुलने के आशंका है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी धीरे धीरे, मतलब कैसा है, 20 तारीख के बाद से धीरे धीरे कुछ राज्यों को खुलने का आशंका है और वो खुलेंगे भी, कुछ इंडस्ट्री भी चालू होंगे, मतलब वो भी सब सरकार आपको बताएगी, ठीक है। ऐसा अफवाहों पर मत रहो, ठीक है। तो चलिए, यार टाइम लेता नहीं हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ले लाल बटन है उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव डेमो, जो कि कौन किस राज्य में का कंडीशन ख़राब है और किस राज्य का कंडीशन बेस्ट है और वह कितना जल्दी मतलब कवर कर लेगा, आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ आपको एक ऐप में। सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इस ऐप के जरिए मैं बता रहा हूँ, जिसका नाम है आरोग्य सेतु। आपने भी नाम सुना होगा, ठीक है। तो मेरे पास तो डाउनलोड है, तो चलिए पहले आरोग्य सेतु को क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको पहले तो अपना बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कोविड अपडेट, ठीक है। तो चलते हैं कोविड अपडेट पर और अपडेट पे जाके देखते हैं क्या स्टेटस है, वहाँ पे पूरी तरह जानकारी मिलेगी। जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि किस हिसाब से रहना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और मैं आपको चलता हूँ कोविड 8 के ऊपर, जो अपडेट है कोविड का। अपडेट इस ऐप में पूरे इंडिया का अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है। पूरे इंडिया का A to Z, पूरे इंडिया का अपडेट इस ऐप में ही आपको दिखाई देगा, किस राज्य में कितने संक्रमण है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको शुरुआत से। और सबसे पहले देखिए 16,116 संक्रमण हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे आगे चल रहा है महाराष्ट्र, जहाँ पर 3,651 संक्रमण हो चुके हैं, लेकिन पूरी महाराष्ट्र में ये नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र का कई ज़िला जो है कि समय से खुल जाएगा और इसे मुंबई में ही अकेले ही 2500 के लमसम में केस है। और आप उसके बाद दिल्ली की भी प्रत्येक हर ज़िले में इतने केस नहीं पाए जा रहे, ठीक है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिसमें कि ज़्यादा केसेस हैं। तो फिर अब नीचे की आप बढ़ेंगे, अब देख रहे होंगे कि धीरे धीरे संक्रमण का आंकड़ा कमते जा रहा है। तो मैं ये सब ज़िले के बारे में आपको उतना मैं डिटेल नहीं देता हूँ, क्योंकि इस सब राज्य में कुछ ज़िले ओपन होंगे, ऐसा नहीं बोलता, कुछ ज़िले ओपन होंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नीचे आप स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ से उड़ीसा पूरी तरह ओपन होने का आशंका है, हिमाचल प्रदेश पूरी तरह ओपन होने का आशंका है, उसके बाद आपको लद्दाख पूरी तरह ओपन होने का आशंका है, अंडमान निकोबार में भी पूरी तरह ओपन होने का आशंका है, उसके बाद आता है पांडुचेरी भी पूरी तरह ओपन होने की आशंका है, गोवा में भी पूरी तरह ओपन होने का आशंका है, त्रिपुरा भी पूरी तरह ओपन हो जाएगा। जो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, इस आंकड़े के जरिए ही लोग राज्य मुख्यमंत्री सारा अपडेट देंगे। तो मैं आपको आंकड़ा पहले ही दिखा दे रहा हूँ, इस आंकड़े के हिसाब से ही अपडेट आएगा, वो आपको कल के दिन पता ही चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था अपडेट, आप देख सकते हो इसके हिसाब से ही कल अपडेट आएंगे और बस कल का इंतज़ार करें। आपका भी राज्य जिला होगा तो इंतज़ार करें। जैसा कि आपने ऐप में देखा अभी, ठीक है, ये ऐप में जो कई सारे ज़िले हैं जहाँ पर एक भी केस नहीं पाए गए हैं, वो जिले तो कन्फर्म है कि पूरी तरह लॉकडाउन हट जाएगा, लेकिन जिस जिलों में जो कि केस दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, वह ज़िले भी खुलेंगे, लेकिन देखा जाएगा कि पहले कितना वह कवर हो रहा है और कितना केस डेली बेस पे वहाँ पर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो, वीडियो को शेयर करो। और अभी तक आपने मेरे वेबसाइट को अगर विजिट नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, आप जाए एक बार वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।